आप लोगों में पूरा ट्रैवल दिखाने वाला हूँ कि मसूरी जो हम लोग कैसे जा सकते हैं बाय बस। गाइस आप लोग देख सकते हो टिकट जो मैंने ले लिया भाई मसूरी के लिए, तो गाइस बस भी देख सकते हो भाई चल चुकी है यहाँ से। बाकी गाइस ब्यूटी चेक करो भाई यहाँ से जो खतरनाक व्यू। तो गाइस अब चेक करो भाई ब्यूटी जो निखर के आ रही है अब क्लियर आ रही है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एन देसी ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों ने थंबनेल देखे पता लगा लिया होगा हम लोग जाने वाले हैं देहरादून से मसूरी बाय बस। मैं आ रखा हूँ अभी भाई रेलवे स्टेशन देहरादून, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है भाई मसूरी घूमने के लिए और वो भी जाना है बाय बस। तो आप लोगों ने पूरा ट्रैवल दिखाने वाला हूँ कि मसूरी जो हम लोग कैसे जा सकते हैं बाय बस। तो अभी मैं आ रखा हूँ भाई देख सकते हो बस स्टॉप है ये पूरा देहरादून का कह सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर। और ISBT से मैं इसलिए नहीं गया कि वहाँ पे मेरे को बताया बहुत लोगों ने कि वहाँ से जो भाई बसेज जो है बहुत कम मिलती हैं और ISBT से ठीक भी नहीं है थोड़ा रूट वो अलग है। तो अभी मैं आ रखा हूँ रेलवे स्टेशन और यहाँ से जो मैं टिकट लेने वाला हूँ मसूरी के लिए आप मेरे पीछे भी देख सकते हो काफ़ी सारी बसेस खड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो है टिकट मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम भी टिकट लेते हैं बताता हूँ आपको कितना फेयर है कितना नहीं। गाइस देख सकते हो आप लोग ये लाइन लगी हुई है भाई मसूरी के लिए, तो मैं भी लग जाता हूँ लाइन में और ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे मैंने वीडियोस में देखा था काफ़ी भीड़ थी, एक एक घंटे की वेटिंग होती थी, बाकी ज़्यादा लोग नहीं है। गाइस आप लोग देख सकते हो टिकट जो मैंने ले लिया भाई मसूरी के लिए और जो कि भाई टिकट आप लोगों को बस से नहीं मिलेगी। और गाइस मेरी बस जो है भाई ये वाली अभी थोड़ी देर में चल जाएगी, बाकी आप लोगों को टिकट आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी डिपो से ही देहरादून के। और ये पड़ता है गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ रेलवे स्टेशन के पास में, बिल्कुल रेलवे स्टेशन मेरा बगल में और ये यहीं पर है। और आपको ISBT जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को यहीं से बस मिलेगी। ISBT से बहुत मुश्किल आपको बस मिले या फिर ना मिले। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो ये बस है जो थोड़ी देर में चलने वाली है, सवारी पूरी हो जाएगी आपको। ये भाई रेगुलर बस चलती रहेगी, आप सवारी जैसे पूरी हो जाएगी बस चलती रहेगी, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप आओ तो भाई यहाँ से मसूरी के लिए जा सकते हो। और ज़्यादातर लोग जो है भाई बाइक रेंट भी कर लेते हैं, आप चाहो तो बाइक रेंट भी कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बस का रूट बता रहा हूँ कि आप लोग बस से कैसे आ सकते हो कैसे जा सकते हो बाय बस देहरादून से मसूरी। तो भाई मैं आके अपनी सीट बैठ चुका हूँ और जो मेरा सीट नंबर है तो भाई वो है भाई 5 और मैं बैठ चुका हूँ और विंडो सीट है मेरी। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है, मतलब आपको ना जब टिकट लोगे ना वहाँ सीट नंबर मिलेंगे पूरे रिजर्व आपको सीट मिलेगी, उसी के हिसाब से जो है बस चलती है। और ज़्यादा ओवरलोडिंग इसको करके नहीं ले जाते हैं, सीट के हिसाब से लोग जाते हैं। तो बाकी अभी जैसे ये ट्रेन जो सॉरी जैसे ये बस जो है फुल हो जाएगी तो वैसे ही बस जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी मज़ा आएगा। सामने आप लोग को पूरा कैप्चर करके मैं दिखा दूँगा, बाकी पीछे देख लो भाई सारे पैसेंजर वगैरह जो भाई बैठ रहे हैं जो साथ में भैया हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो बाकी चलने वाली है। तो और गाइस मैं फिर से आप लोगों को बताऊं तो मैंने ये बस लिया देहरादून रेलवे स्टेशन से, ISBT से नहीं लिया मैंने, क्योंकि वहाँ से नहीं मिलती है बस मसूरी के लिए। तो गाइस बस भी देख सकते हो भाई चल चुकी है यहाँ से देहरादून से मसूरी के लिए। तो गाइस अभी जो है भाई चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है भाई, देख सकते हो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सारे सिनेमेटिक शॉट्स और सारे शॉट्स। और अभी जो है भाई बस चढ़ते जा रही है और अब आ रहा है जो एडवेंचर है उसका मज़ा। गाइस आप लोग आ रहे हो तो मैं कहूँगा देहरादून से भाई ले लेना बस, क्योंकि बीच में आप लोगों को कहीं भी बस वाले नहीं रोकेंगे, क्योंकि बस स्टार्टिंग से ही नीचे से ही फुल होके आती है सारी बसें। और अभी भी इसमें ना टिकट आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपको टिकट भी वहीं से लेना पड़ेगा डिपो से।
नीचे के सीन भी चेक करो भाई, खतरनाक व्यू आ रहा है ना। देखो कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं भाई, अभी तो बहुत नीचे से आए हैं, तुम फिर भी पहाड़ देखो, तो बहुत ऊपर है, ट्रैवल बहुत नीचे से आए। अब यहाँ टोल पड़ा है, फिर से बस निकल चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट बस है, टोल भी पास कर दिया हम लोगों ने। बाकी गाइस ब्यूटी चेक करो भाई, यहाँ से जो खतरनाक ब्यूटी है ना, आप लोग वही कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा और कैमरे में आप लोगों को नहीं देख पाएगा अच्छे से, क्योंकि जो मैं अपनी आईज से देख रहा हूँ ना, इसकी बात ही बहुत अलग है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरे से पूरा अच्छे से अच्छा दिखा पाऊँ। गाइस हम बहुत हाई पीक पे आ चुके हैं भाई, बहुत ऊपर आ चुके हैं माउंटेन्स पर, चढ़ाई भी चलती जा रही है। सीटी तो गाइस बहुत नीचे रह चुकी है, सीटी तो दिख भी नहीं रही। गाइस अब चेक करो भाई, ब्यूटी जो निखर के आ रही है, अब क्लियर आ चुका है बिल्कुल, कुछ भी रुकावट नहीं है सामने से। देखो भाई अब जो माउंटेन्स है ना भाई, हम माउंटेन्स के बराबरी पे हैं और नीचे देख सकते हो तो बिल्कुल खाई है गाइस, ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पर घूम रहे हैं भाई। इंडिया के अंदर भी ऐसी प्यारी प्यारी ब्यूटीज हैं, फेल है भाई सब कुछ, फेल है इसके आगे, इतनी प्यारी प्यारी वैलीज हैं भाई। रोड गाइस बहुत खतरनाक आ चुका है, बहुत पतला रोड है, उस पर ना बस हमारी कम से कम 60 की स्पीड में चल रही है गाइस, कितना पतला रोड है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस बस ट्रैवल का भी। तो गाइस अब जाके भाई काले बादल आ चुके हैं और अब जो है भाई धूप खत्म हो चुकी है यहाँ पर आकर, और ठंड इतनी बढ़ चुकी है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अब मेरे को भी भाई उतर के डायरेक्ट जो है जैकेट पहननी पड़ेगी, मैं अपने साथ जो है जैकेट लेकर आया हूँ, अगर आप आते हो तो भाई कपड़े लेकर आना गर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप लोगों ने इन्जॉय कर रहे हैं अपना ऐसे व्यू पे गाइस, राइडर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँ आओ तो भाई अपनी सेफ्टी से आना। और ठंड बढ़ चुकी है गाइस यहाँ पर रियली गाइस, मसूरी के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी देहरादून के अंदर नॉर्मल है लेकिन मसूरी में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस अब जो बचा भाई मसूरी बस यहाँ से जो है 6 किलोमीटर दूरी पर है और अभी भी चढ़ाई चल रही है। और अभी गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगा, जस्ट लाइक अ वाओ,
सो गाइस अब जो है भाई 1 किलोमीटर रह चुका है मसूरी, बस जो मसूरी का स्टॉप है वो आने वाला है। बाकी भाई कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। तो गाइस आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मसूरी देहरादून से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो। संडे का दिन वैसे ही टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं आज के दिन घूमने के लिए, मे भी शायद बसों की हुई है इसलिए ट्रैफिक लगा हो, बाकी तो मुझे लगता है ट्रैफिक ही लगा हुआ क्योंकि मसूरी आ चुका है। तो गाइस फाइनली जो है भाई मसूरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई ऊपर पीक पे आके जो है भाई मेरा थोड़ा सरसा घूमने लग गया काफ़ी, वो तो ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई वीडियो से रिगार्डेड या फिर मसूरी से रिलेटेड या फिर देहरादून से रिगार्डिंग, तो अभी जो है भाई हमारा ट्रैवल हो चुका है और ट्रैवल पड़ा सिर्फ मेरे को भाई 80 रुपये में। बाकी देख सकते हो सारी सवारी जो है भाई आपको मसूरी में उतार देगी, मसूरी मेरे को उतार दे, हम यहाँ पर वॉक करके आगे जाएंगे। और इस वाली वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मसूरी से रिगार्डिंग तो या फिर देहरादून से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी चाहिए हो टूरिस्ट प्लेस कुछ भी वगैरह, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।